जैसे कि आप सभी भारतवासी जानते हैं, देश में रोजगार कम और बलात्कार ज़्यादा हो रहे हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसे गंदे काम के लिए देवस्थान यानी मंदिर जैसी जगह को भी इस्तेमाल किया गया है। बलात्कारियों का हौसले इतने बुलंद है कि वो रेप और लड़कियों की इज्जत को घुटका खाकर थूकने समान समझ रहे हैं। इन्हीं बलात्कारियों का विरोध करते हुए अकोला शहर में सुन्नी यूथ विंग अध्यक्ष शाहिद इकबाल की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी संगठन सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और भरपूर समर्थन इस भव्य कैंडल मार्च को दिया। अकोला के सभी धर्मों के वकील भी कठुआ और उन्नाव के बलात्कार के विरोध में निकलने वाले कैंडल मार्च में शामिल हुए। वहीं मराठा सेवा संघ, छावा संगठन, भारी बहुजन महासंघ, भौरा जमात, बैद बिरादरी, गौली बिरादरी, राजस्थानी बिरादरी, रंगरेज बिरादरी, कच्ची मेमन जमात, अहले कुरेश बिरादरी, मोमिन बिरादरी तथा सभी हिंदू मुस्लिम बौद्ध भी लाखों की तादाद में शामिल हुए। समाज में युवती और बच्चियों पर रेप करने वालों को फांसी की सजा दी जाए, उनका साथ देने वाले हिंदू एकता मंच और बीजेपी के मंत्रियों को भी फांसी की सजा दी जाए, मांग जनता ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार से की। इसी मौके पर मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने कहा, इस्लामी कानून के हिसाब से बलात्कारियों को सजा देनी चाहिए, जिसमें समाज में बढ़ रहे बलात्कार पर भरपूर काबू किया जा सकता है। जो आरोपियों को अरेस्ट किया गया उनको कड़ी से कड़ी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए और फांसी के अलावा किसी भी सजा को उनको ना दी जाए। और जिन दो मंत्रियों ने आसिफ भाई के आरोपियों के फेवर में जो रैली निकाली थी उनको भी सेक्शन 120 की ऑफ आईपीसी के तहत उनको भी आरोप किया जाए और उनको भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, तभी आसिफा को जस्टिस मिला ऐसा माना जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। हमारे देश में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी सोच नीचे चली गई है। मैं तो कहना चाहता हूं विषय खत्म करना है, बहुत से लोगों को बोलना है, लेकिन मैं विषय थोड़ा बोल दूं क्योंकि यही मौका है कि मैं बता पाऊं मेरे बच्चों को कि क्या इंसानियत है। अरे राम और रावण की भी लड़ाई हुई थी, लेकिन इसमें रावण भी राक्षस कहा जाता है और राम को भगवान भी माना जाता है, लेकिन दोनों की एक ही खूबी थी कि राम ने लड़ाई लड़ी थी वो सीता माँ के लिए, एक औरत के लिए, और रावण ने भी जो लड़ाई लड़ी थी वो उसकी बहन के लिए लड़ाई लड़ी थी सूर्पनखा की। दोनों ने शायद लड़ाई लड़ेंगी, क्या सही क्या गलत मुझे मालूम नहीं, लेकिन राक्षस भी उसी चीज के लिए लड़ा हुआ है और भगवान भी उसी चीज के लिए लड़ा है। एक राक्षस अगर अपने बहन के लिए लड़ सकता है तो क्या हम उससे भी गिरे नीचे है कि हम तो इंसान है राक्षस नहीं है, फिर भी हमारे बहन पे अत्याचार हो रहा है। तो मैं सब नौजवानों को कहता हूं कि एक सोच समझकर अच्छी तरीके से कोई नारेबाजी ना करते हुए कोई ताली ना भर करके इस धर्म का दिन समझो, और बेटी किसकी भी हो वो हमारी है, वो माँ हमारी है, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ सब जने खड़े होना चाहिए, मिलजुल कर खड़े होना चाहिए। ये आसिफा का सवाल नहीं है, कल को मेरी भी बेटी यहाँ पे है, ऐसा हर धर्म का आदमी करेगा। मुस्लिम समाज ने हर चीज हर कौम के लिए खड़ा होना चाहिए, वो एक है क्योंकि उनका उस तरीके की हिदायत मैंने बताए हुए कुरान में से दी हुए। इसलिए मैं फिर से सबको विनंती करता हूं कि शांति से जो चीज मिलेगी वो शायद मेरे ख्याल से नारे देने से और लड़ने से नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धर्माच्या नावाखाली लोक जर अशा दंगली घडवत असतील तर ज्ञानेश वाकुडकरांची एक कविता मला आठवते, जेव्हा तुझे जय जयकार होतात तेव्हा तू कुठे असतोस देवा,
जेव्हा सांध सकाळ होते तेव्हा तू कुठे असतोस देवा, जेव्हा तुझे जय जयकार होतात तेव्हा तू कुठे असतोस देवा। तुझे भक्त म्हणतात दीनानाथा तू चराचरात भरला आहेस, पण जेव्हा मंदिरातच बलात्कार होतात तेव्हा तू कुठे असतोस देवा, तेव्हा तू कुठे असतोस देवा। टाळ्या वाजू नका, तेव्हा तू कुठे असतोस देवा। हे अस्तित्व आपण नाकारून खऱ्या अर्थानं सगळ्या बहुजन समाजानं त्या आसिफाच्या सन्मानार्थ, सुरत मधल्या उन्नाव प्रकरणाच्या सन्मानार्थ, त्या पीडितेच्या सन्मानार्थ, कोपर्डीच्या त्या ताईच्या सन्मानार्थ, निर्भयाच्या सन्मानार्थ, दोंडाईच्या मध्ये पीडितेच्या सन्मानार्थ सगळ्यांनी आपण एकत्र आलो पाहिजे, एवढीच विनंती आपल्या सर्वांना करतो। आसिफाच्या कातिलांना खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे शिवशासन ज्याला आपण म्हणतो त्या शासनाप्रमाणे फाशीची सजा झाली पाहिजे, एवढी विनंती आपल्याला या शासनाला करायची आहे। एवढंच या ठिकाणी बोलतो, सगळ्या संघटनांचा सगळ्या पक्षांचा या ठिकाणी पाठिंबा आहे, एवढं बोलतो आणि थांबतो। धन्यवाद। मैं अब यहाँ पर जितने लोगों ने सुन्नी यूथ विंग को समर्थन दिया है, छावा संगठन और संभाजी ब्रिगेड, भारी बहुजन महासंघ, उनके आए हुए सभी पदाधिकारी और साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए जितने भी बौरा समाज, तेली समाज, बैद बिरादरी और जितने भी लोग हैं, इन तमाम की तरफ से देश की तमाम बेटियों के लिए गम और गुस्से का इजहार करता हूँ। और मैं अब अभी हमारे इस्लाम इन तमाम बातों को पसंद नहीं करता, इस्लाम हमेशा इन चीज़ों के ख़िलाफ़ रहा और इस्लाम के कवानीन इतने मजबूत हैं कि अगर उन कवानीन को नाफिज कर दिया जाए तो कोई भी इंसान जो है गलत कार्य कर नहीं सकता और ना उसका इरादा कर सकता है। हमारे इस्लाम के अंदर जो कवानीन बना दिए गए हैं वो हमारे कानून बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि ज़मीन व आसमान का मालिक, चांद सूरज का मालिक, समंदरों का मालिक, दरख्तों का मालिक, इंसानों जिन्नात का मालिक, जिसको खुदाए वादाउल्ला शरीक कहते हैं उसका बनाया हुआ कानून है। अगर उन कानून पर आज के लोग अगर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितनी गलत कारियाँ होती हैं और जितने जानी होते हैं और जितने सूदखार होते हैं, अगर ये कवानीन पर अमल कर लिया जाए तो इन गुनहगारों, दरिंदों का सदे बाब हो सकता है। और अगर इस पर तवज्जो दी गई, जैसे आजकल इतनी हलचल मची हुई है, हर मज़हब के अंदर इस किस्म की हरकतें होने लगी, अगर मजबूत कानून बना लिया जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये गलत कार्यों का दरवाज़ा बंद हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देना चाहिए और इस पर कौम की भलाई के लिए ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे आइंदा इस किस्म के लोग हरकतें ना कर सकें। हमारा भी मंशा आज का यही था और आइंदा भी हमारा मंशा यही रहेगा।